नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद जेपी में। दोस्तों, तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको MDC यूनिवर्सिटी संबंधित पेपर मिलते रहेंगे, न्यूज मिलती रहेगी। तो बिना वक्त गए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, आज मैं पेपर पेपर बता रहा हूँ दोस्तों, BA पार्ट पार्ट सेकेंड का, सेकेंड ईयर का दोस्तों, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है दोस्तों। बाकी पेपर शायद नहीं हो सकते, इसलिए मैं जो मेरे पास पेपर उपलब्ध है वो करा दीजिए। जो आपको पेपर चाहिए उसके लिए कमेंट कर सकते हो दोस्तों आप, कौन सा पेपर आप चाहिए। मैं बहुत कोशिश करूँगा वो पेपर उपलब्ध कराने की। बिना बताए वीडियो शुरू करते हैं। पैटर्न देख ले तो पेपर का पहला भाग है दोस्तों 20 नंबर का, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। दूसरा दोस्तों भाग बी, मार्क्स 20 है, मार्क सभी 5 प्रश्न कीजिए। 5 प्रश्न करना है दोस्तों, इसमें 50 शब्द अधिक नहीं होने चाहिए, 60 दोस्तों। इसमें आपको 3 प्रश्न करना है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। पहले क्वेश्चन, रेला के लेखक कौन थे? तो ये किताब है उसके लेखक के नाम पूछ रहे हैं दोस्तों। दिल्ली संतलत में एकता व्यवस्था किसने स्थापित की? एकता व्यवस्था किसने स्थापित की? सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मैसाद पद्धति क्या है? सी दोस्तों, तो एक ही पार्ट है, ABC 10 तक है दोस्तों। मैसाद पद्धति क्या थी? सल्तनत काल में किसने सत्य प्रथा पर रोक लगाई? भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य संस्थापक कौन था? अमरम क्या था? हुमायूंनामा की रचना किसने की? ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने करवाया? देशालाई व्यवस्था क्या थी? अकबर के दरबारी नवरत्नों में राजस्थान से कौन शामिल थे? तो पार्ट बी अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन, बलवन की राजत्व नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। इसमें अथवा में दोस्तों, रजिया की असफलता क्या कारण थे? वो कैसे असफल हुई? उसको किसने मारा? बताना दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाए गए सार्वजनिक निर्माणों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अथवा दोस्तों, अमीरान या सादा कौन थे? चौथा क्वेश्चन, तालीकोट के युद्ध के ऐतिहासिक महत्व लिखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। शेर शाह के प्रांतीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर ले। अकबर की सुलह या कुल की नीति का मूल्यांकन कीजिए। अथवा हम दोस्तों, औरंगजेब की दक्कन नीति का सक्षम वर्णन की, दक्कन मतलब दोस्तों दक्षिण होता है। मुगल कालीन वर्ग की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अष्टप्रधान क्या है? अथवा में 7 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने अनिवार्य है दोस्तों। ये क्वेश्चन 20 नंबर का है। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन संबंधी योजना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहमनी साम्राज्य में सामाजिक सांस्कृतिक विकास का विवरण कीजिए। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। हल्दीघाटी युद्ध के कारण में परिणाम वर्णन कीजिए। तो ये पेपर है दोस्तों, इतिहास सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर। दोस्तों आई होप कि ये पेपर आपको पसंद आया होगा। आप कौन सा पेपर चाहिए कमेंट कर सकते हो दोस्तों। आप पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए मिनिमम। पूरा वीडियो देखने धन्यवाद। जय जय।